उर्फी जावेद को नहीं रहा किसी भी लॉ पर कोई भी बिली। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनका जो ये स्टेटस आया है सोशल मीडिया पर, ये बात ये प्रूफ कर रही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम को लेकर, लॉस को लेकर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वाल आपको बता दूँ यहाँ पर कि उर्फी ने जो है वो बहुत बड़ी बात कही है सोशल मीडिया पर। और यहाँ पर जिस तरीके से बात को कहा गया है कि अटेंशन नहीं दी जा रहा है, सबसे पहली बात तो कि अटेंशन नहीं दी जा रही है, कि अगर रिपोर्ट भी फाइल कराई है तो अटेंशन नहीं दी जा रही है, इस बात पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर उर्फी लिखती हैं अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर, जिन्होंने लिखा है, देयर आर नो साइबर लॉ इन इंडिया, पुलिस साइबर सेल हार्डली पेज एनी अटेंशन to the registered complaint that why people refrain from reporting. People openly bully, abuse, give rape threats online but nothing. I don't understand why do we have to ignore it. So यहाँ पर खुद उर्फी जावेद इस बात को कह रही हैं कि यहाँ पर पुलिस और साइबर सेल दोनों ही कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, जबकि रिपोर्ट भी कराई जाती है। और ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है, कोई ऐसी सज़ा नहीं दी जाती है उन्हें, जिसकी वजह से लोग जो है इस तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, रेप के धमकियाँ देते हैं, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आ रही है। वेल गाइज, आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या आप भी उर्फी की इस बात से सहमत हैं? वेल, राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक फिल्म विंडो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।